हेलो डियर व्यूअर, डियर व्यूअर, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी कंपनी का जो है एक वर्क कंप्लीट जो कार्ड बनाना चाहते हैं, ट्रेनिंग कार्ड है। अगर किसी भी कंपनी में अगर आपने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, फिर भी आपने जो अपने सीवी में इस तरह का कार्ड लगाना चाहते हैं वर्क एक्सपीरियंस का, या जो है ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की है किसी भी कंपनी में, तो इस तरह कार्ड आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो आपको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इस तरह का कार्ड आपके पास कोई भी है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसकी एक पिक्चर ले लेनी है, स्क्रीन शॉट ले लेनी, या अगर आपके पास डाउनलोड है तो वो आपने यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके पास कार्ड है। तो इसके पास, इसके लिए आपके पास जो है एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो मेरे पास है मैजिक अरेजर, तो ये एक एप्लीकेशन है, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा या नाम बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। कर लेने के बाद यहाँ पर आपने जो है इस पर जो है अपनी पिक्चर को जो है वो जो पिक्चर आपकी कार्ड की है उसको आपने अपलोड कर देना है। रिमूव ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो इसको एक्सेस दे देनी है। यहाँ पर जो है अपना जो कार्ड की पिक्चर है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड की पिक्चर है, यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन ये जो कार्ड है इस पर जो है यहाँ पर मैकेनिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर नाम भी किसी और का लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर आ जाए और इसकी जगह मैकेनिक की जगह जो भी आपको शॉप है, रीगर हैं, फोल्डर हैं, सेफ्टी अफसर हैं, जो भी हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने जो है ब्रश रिमूवर से यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, अपने नाम को यहाँ से रिमूव करना है, पहले जो उसका नाम है जिसका कार्ड है, यहाँ पर इसको नाम को हम रिमूव कर दें यहाँ पर। तो एक बार आपने रिमूव किया, यहाँ से आप देख सकते हैं रिमूव, फिर दोबारा आपने इस तरह करना है तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही नाम जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ब्रश से इस नाम को जो है इसी तरीके से रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है मकैनिक्स, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीगर हैं या सेफ्टी अफसर हैं, यहाँ पर सेफ्टी अफसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मकैनिक जगह सेफ्टी अफसर लिख जाएंगे, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही कार्ड पर जो नाम है वो रिमूव हो चुके। अब आप लोग अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इनशॉट एप्लीकेशन पर आ जाना है, चाहे आपके पास कैप कार्ड है उस पर भी आप ये एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो फ़ोटो आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर हमने नाम रिमूव किया। यहाँ पर जो है वो पिक्चर, यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर न्यू अपलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर है जो हमने नाम वगैरह रिमूव किया था। तो यहाँ पर इसको हम जो है इस पर अब हम अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मोहम्मद, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ वेरीफाई डेट में आपने अपना नाम लिख देना है। नीचे आपने जो है कंपनी लिंक में जहाँ पर हम मकैनिक लिखा हुआ था वहाँ पर आपने अपना जो है फील्ड है उसका नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल आप लोग सेफ्टी अफसर हैं, रीगर हैं, वहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं सेफ्टी अफसर हूँ, तो यहाँ पर मैं सेफ्टी अफसर लिख देता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा कार्ड अभी जो है बन गया है, यहाँ पर ये कार्ड जो है बन गया। इस तरह आप लोग भी अपना किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस कार्ड जो है, ट्रेनिंग कंप्लीशन कार्ड जो है वो बना सकते हैं बहुत ईजिली, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो अगर आप लोग अपना कार्ड बनाना चाहते हैं, सीवी में इस तरह का अच्छा सा कार्ड लगाना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने जो है मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल की है इस तरह का कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इस तरह बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।